अयोध्या में ई रिक्शा चालक मोहम्मद कफील की संदिग्ध मौत पर समाजवादी पार्टी ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। ई रिक्शा चालक मोहम्मद कफील की संदिग्ध मौत को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना दिया है। मृतक मोहम्मद कफील की पत्नी गुड़िया व उसके दोनों बच्चों को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने पुलिस पर आरोप लगाया, कहा कि पुलिस कस्टडी में मोहम्मद कफील की मौत हुई है, इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज की जाए, उसके लिए कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है। इसके साथ ही शासन परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दे। पवन पांडे ने कहा कि 13 जनवरी को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मुलाकात करेगा और कफील की मौत की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक कफील की पत्नी ने भी साहबगंज पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है। गुड़िया ने कहा कि उसके पति को पुलिस उठाकर ले गई थी। पति की मौत के बाद कोतवाली नगर में सादे पन्ने पर उससे अंगूठा लगवाया गया। मृतक मोहम्मद कफील कोतवाली नगर क्षेत्र के बछड़ा सुल्तानपुर का रहने वाला था। साहबगंज पता वहां से पता चला कि साहबगंज चौकी, हमारे हस्बैंड बोले कि साहबगंज चौकी वाले लिए जा रहे हैं, हमारी बीबी से बता देना। और जो आया व्यक्ति हमसे बता कि साहबगंज चौकी वाले लेके गए हैं। हम साहबगंज चौकी गए, वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं था, एक महिला बैठी थी। हमने पूछा तो कहीं यहाँ किसी तरीके से मुमकिन नहीं है, तो हम तो आगे रीडगन पड़ गए। रीडगन गए वहाँ, वही अंगूठा लगवाया गया था कोतवाली। अच्छा, आपको सूचना के कोतवाली के पुलिस वाले सूचना दिया। अच्छा, जब हम गए तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आठ ढाल लगी तो पता नहीं इसने कहा अंगूठा लगवा लो, अभी हम आपको वो मतलब लिख रहे हैं, आपकी एफआईआर अंगूठा लगा दे इस पे और हम एफआईआर आपकी लिख रहे हैं। हमने लगा दिया, हम हड़बड़ाए थे, हमारे झूल झंड में था, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, जो तरीके से ठंडी थी हमारे, भूखे प्यासे थे, खाना हम बना के रखे थे, खाने जा रहे थे, वैसे हमारे पास संदेशा आ गया कि तुम्हारे आदमी को दो पुलिस वाले साहबगंज के उठा लेंगे। अयोध्या निवासी कफील को पुलिस उठाकर ले गई, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया। और उसके बाद कफील के मौत की सूचना आई, कस्टोडियल डेथ हुई है कफील की। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, परिवार की अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, परिवार की अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि कफील के परिवार को न्याय दीजिए। जो भी पुलिस के अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करिए, हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा, परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उसके पिता की हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी न्यायिक जाँच की मांग करती है। कल हमारी पार्टी के लोग जाएंगे, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी देंगे न्यायिक जाँच के लिए। और उसकी पत्नी ने कल लिखकर, हमारे जो अधिवक्ता मंडल के लोग हैं, सावेद जाफरी जी, अखिलेश पांडे जी, इन लोगों ने कल रात को एफआईआर दिया है कोतवाली में जाके इंस्पेक्टर साहब को। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। हम मांग करते हैं एफआईआर दर्ज की जाए, उस महिला का हक है, उसके पति की हत्या हुई है, बाकी पुलिस की जाँच का विषय है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। अभी तक कोई प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई है, तो इस महिला को न्याय मिले, मुआवजा मिले, इसके बच्चों को न्याय मिले, इस बात को समाजवादी पार्टी उठा रही है और यही मांग कर रही है।